नमस्कार दोस्तों, आरआर इंफोटेनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी राशि मेष, वृषभ, कर्क या फिर कन्या है तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे इन राशि वालों के जीवन पर इस दीपावली पर किस तरह से बदलाव आएंगे, किसे लाभ होगा और किस राशि वाले को हानि। अगर आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं और आप इस दीपावली चाहते हैं कि आप पे माँ की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो में हमने उन चार राशियों के बारे में बताया है जिसपे इस दीपावली माँ की अति कृपा बनी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिखने वाले घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो का सफर। दीपावली पर चार राशियों पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश कर रहा है। इस राशि में सूर्य एवं केतु पहले से ही हैं। तुला राशि में एक साथ त्रिग्रही योग बन रहा है। दिवाली का त्योहार भी इसी योग में मनाया जाएगा। तुला राशि में शुक्र के आने का असर कुछ राशियों पर पॉजिटिवली पड़ेगा। नंबर 1, मेष राशि को होगा लाभ। मेष राशि वालों को शुक्र के प्रभाव से उनके करियर और नौकरी में खूब तरक्की और सफलता मिलने के आसार है। जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके बॉस उनके काम से बहुत खुश होंगे और उनको आर्थिक रूप से कई फायदे मिल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो ये योग आपको काफी प्रॉफिट दिलवाएगा। इस दिवाली आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। साथ ही ये योग आपके वैवाहिक जीवन में भी, मैरिटल लाइफ में भी सुख शांति और प्रेम देगा। मतलब मेष राशि वाले चाहे नौकरी करते हों या फिर कोई बिजनेस, उन्हें उनके काम में सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही उनकी फैमिली लाइफ भी सेटल रहेगी। मेष राशि के बाद अगली राशि की बात करते हैं जिसपे इस दीपावली लाभ की वर्षा होगी, और उस राशि का नाम है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को मिलेगा लाभ। शुक्र गोचर आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलने के लिए चांसेस दिखा रहा है। आपको फाइनेंशियली यानी आर्थिक लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस राशि के जो लोग सर्विस करते हैं उन लोगों को फाइनेंशियली काफी हेल्प मिलेगी। आपके घर के फाइनेंस या फिर कहीं पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है और आपका वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। कर्क राशि के लोगों को मिलेगा दीपावली पर लाभ। इस बार कर्क राशि वालों के लिए शुक्र गोचर प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, जिसका रिजल्ट आपके लिए अति शुभ होगा। इस गोचर काल में आपके घर नई गाड़ी आ सकती है। अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस दीपावली आपकी गाड़ी जरूर आ सकती है। इसके अलावा कर्क राशि के लोगों को एक और फायदा मिलेगा, और वो ये कि आपको कम मेहनत करके बड़ा फल मिलेगा। यानी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको तरक्की जरूर मिलेगी। नंबर 4, कन्या राशि को मिलेगा इस दीपावली लाभ। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर सुख और सुविधाएं देगा। अगर आपका काफी वक्त से पैसा खर्च हो रहा है तो इस योग से आपके पैसों की बचत होगी। पैसों की बचत का सीधा कनेक्शन आपके फाइनेंशियली प्रॉफिट से है। इसके अलावा कन्या राशि के लोगों के लिए नई इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। तुला राशि के लोगों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तुला राशि वालों के लिए शुक्र गोचर लग्न भाव में शुभ माना जा रहा है। इस गोचर के बाद आपके फाइनेंशियली कंडीशन में पॉजिटिवली बदलाव आ सकते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी के नए प्रपोजल मिलेंगे, और साथ ही इन राशि वालों की लव लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो के अपलोड होने के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी दूसरे विषय पे जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर शेयर करें, हम उस पे वीडियो लेके जरूर आएंगे। एक और रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल आरआर इंफोटेनमेंट की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। वहाँ है आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली ढेर सारी वीडियोस।